हेलो फ्रेंड्स, इस वेब सीरीज के अंदर हम लोग एचटीएमएल स्टार्ट करने जा रहे हैं। एचटीएमएल बेसिकली हम लोगों को पता है कि इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल बेसिकली वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। वेब पेजेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे हम लोग एक सिंपल वेबसाइट के अंदर देखते हैं, जैसे होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, सर्विसेज पेज, अलग अलग तरह के पेज एचटीएमएल के साथ क्रिएट किए होते हैं। एचटीएमएल यूज़ करके हम लोग अलग अलग तरह के पैराग्राफ्स, अलग अलग तरह के हेडिंग्स, लिंक्स, ये सब चीज़ें हम लोग एचटीएमएल के साथ क्रिएट करते हैं, जो कि हमें वेबसाइट के फ्रंट एंड के ऊपर देखने को मिलती हैं। बेसिकली जो इसका सिंटेक्स है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो डॉक टाइप एचटीएमएल है, ये बेसिकली एचटीएमएल के वर्जन को डिस्क्राइब करता है। ये एचटीएमएल का 5 वर्जन है। एचटीएमएल एलिमेंट जो रूट एलिमेंट है, जिसके अंदर हम लोग बाकी का सिंटेक्स लिखते हैं। हेड टैग जो है इसके अंदर, वो मेटा इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। टाइटल है जो बेसिकली हमें वेब पेज के ऊपर, जो जब हम लोग किसी वेब पेज को खोलते हैं तो सबसे ऊपर हमें टाइटल शो करता है, वो टाइटल इसके अंदर कंटेन करके रखता है, टाइटल टैग। बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे कि किसी इमेज को, किसी पैराग्राफ को, किसी हाइपरटेक्स्ट लिंक को, या किसी हेडिंग को, या किसी अलग किसी और चीज़ को हम लोग जो फ्रंट एंड पे देखते हैं, वो बॉडी टैग के अंदर सारा लिखा होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर हम लोग यूज़ करते हैं सिंटेक्स लिखने के लिए, और हम लोग एचटीएमएल के ऊपर छोटे से प्रैक्टिकल करके देखेंगे। थैंक्स टू ऑल।